मेहता का उल्टा चश्मा। दूल्हे मंडप वाले अभी तक आए क्यों नहीं? आ जाएंगे मेरे भाई। कब आएंगे, कब मंडप बांधेंगे? टप्पू सेना ने मंडप वाले को बोल दिया है ना। अरे भाई आपको पता है ना कि टप्पू सेना काम कितना परफेक्ट है। वही तुम्हारे परफेक्ट जो स्पीकर रिपेयर कराने गए ना, अभी तक आए नहीं है। लगाल लो आ गए। वाह नया स्पीकर अच्छा बजेगा। तुम लोग नया स्पीकर लेके आए? हाँ मेरे अंकल, पुराने स्पीकर को ठीक करने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए हमने नया स्पीकर ले लिया। हाँ बाबा। टप्पू, तेरे में कोई अंकल है कि नहीं? पुराने स्पीकर लेके आना था, नया स्पीकर ले आएगा? ऐसे ही टप्पू को डांटने वाले थे ना। जैक डिट्टो। थैंक यू। हम लोग की नौटंकी हो गई और टप्पू अपनी बात हुई ना कि हम लोग पुराना स्पीकर रिपेयर करेंगे, नया क्यों उठा के लेके आए? गोकुलम सोसाइटी स्पीकर का 1 रुपया नहीं देने वाली है? कितने का है ये? सिर्फ 15,000। 15,000? 15,000? 15,000? अरे इतना बजट है क्या सोसाइटी का टप्पू? अरे दूसरे बहुत सारे खर्चे हैं, 1-1 रुपया बचा रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है और तुम 15,000 का स्पीकर लेके आए? बेड़े अंकल, काम डाउन, काम डाउन। क्या काम डाउन? समझ में आया, तुम्हारे पापा ने तो उसमें व्यापार देखा है, लेकिन टप्पू तुम्हें तो सोचना चाहिए ना सोसाइटी के बजट के बारे में। बेड़े अंकल पापा तो बस सफाई देने की जरूरत नहीं है, कर लेना। नया स्पीकर खरीदने से पहले एक बार मुझे फोन तो कर दिया होता, मुझे डिसीजन ले लिया। गोकुलम सोसाइटी स्पीकर के 15,000 क्या? 15 रुपए भी नहीं देंगे तो आप दोगे? आप क्यों दोगे? या तो ये स्पीकर वापस करो या तो जेठा को बोलो कि पूरे के पूरे पैसे वो देगा। बाबा तुम्हें टेंशन न का गए हो, ये स्पीकर जेठा अंकल ने अपनी तरफ से गोकुलधाम सोसाइटी को गिफ्ट दिया है। अरे वाह। जेठा ने ये स्पीकर सोसाइटी को गिफ्ट दिया है? हो बाबा। वाह जेठा भाई वाह। क्या वाह जेठा भाई वाह। देखो टप्पू से ना सोसाइटी को किसी से भी कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। सोसाइटी को 15,000 का स्पीकर गिफ्ट करेगा और बाद में मुझे हमेशा सुनाएगा कि मैंने सोसाइटी को 15,000 का स्पीकर गिफ्ट किया है, 15,000 का स्पीकर गिफ्ट किया है, और मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है। टप्पू सेना ये स्पीकर उठाओ और जेठा को वापस करो। ठीक है बेटा अंकल, हम स्पीकर वापस कर लेंगे, पर पहले आप पापा से बात कर लीजिए। हाँ तो करता हूँ ना, डरता हूँ क्या? हाँ। अरे भिड़े का फोन, नक्की थैंक यू बोलने के लिए फोन किया होगा। हाँ भिड़े, मेंशन नॉट। मैंने कहा मेंशन नॉट। वो जेठालाल मेंशन नॉट तब बोलते जब कोई थैंक यू बोलता है। हाँ तो तूने थैंक यू बोलने के लिए ही फोन किया है ना, इसलिए मैंने एडवांस में बोल दिया मेंशन नॉट। मैंने तुम्हें कोई थैंक यू बोलने के लिए फोन नहीं किया है। तो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि हमें नया स्पीकर गिफ्ट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज तो तुम सोसाइटी को नया स्पीकर गिफ्ट दोगे और बाद में हमेशा मुझे ताने दोगे कि मैंने सोसाइटी को 15,000 का नया स्पीकर गिफ्ट दिया है। अरे भिड़े तू भी ना एकदम सखाराम की तरह सोच रहा है। सखाराम कहाँ सोचता है? वही तो, बिना सोचे कुछ भी बोल रहा है तू। अरे भाई ये स्पीकर मैं तुझे पर्सनली गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, ये तो मैं मेरी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाले गणेश उत्सव में मेरे प्यारे गणपति बाप्पा के चरण में अर्पण कर रहा हूँ। हाँ अगर वो मना करेंगे तो मैं स्पीकर वापस ले लूंगा, लेकिन तुझे इस मामले में ना बोलने का कोई अधिकार है ही नहीं। जेठालाल। अरे भू नकोश भाव, मैं सोसाइटी में किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने गोकुलधाम सोसाइटी में 15,000 का स्पीकर गिफ्ट दिया है।
चल चल भाई अभी फोन ना, क्या घर आके बहुत है भाई। चल चल क्या कहा पापा ने हम स्पीकर ले जाएं? नहीं नहीं ये स्पीकर सोसाइटी को गिफ्ट किया है। ये स्पीकर सोसाइटी को गिफ्ट किया है जेठालाल ने, तो इसे अभी फिलहाल सोसाइटी ऑफिस पे रखते हैं। जब मंडप बनेगा तब मंडप पे रख देंगे। कल्ला 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 टप्पू ये मंडप वाला अभी तक नहीं आया, कब आएगा? बाबा बस आते ही होंगे, एक मिनट में फोन करता हूँ। अरे आ गए। यादव जी सामान उतारना शुरू कर दीजिए। जी जरूर भाई, और सामान उतारिए। चलो जल्दी जल्दी फटाफट, सामान आ गया ना। अच्छा हां, चलो 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 चलो।